प्यारे भक्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री विक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि की तरह है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत या भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक चला जाता है। आइए श्री हरि का ध्यान धर के अपरा एकादशी की कथा आरंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। समझाते हैं हम कथा सुनाते हैं।
दिन धूमे ऋषि वहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं। पावन व्रत का आपको महत्व समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
सुनाते हैं। समझाते हैं हम कथा।
सुनाते